नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल शंकर सेलो पर। आज के वीडियो में मैंने शायरी संग्रह में से उन शायरियों का चयन किया है जिनका प्रयोग मंच पर मात्र एक शब्द बदल कर कई प्रकार से किया जा सकता है। जिस शब्द को बदल कर आप एक ही शायरी को विभिन्न रूपों में मंच पर प्रस्तुत कर सकते हो, उसे रेखांकित किया है तथा शायरी के नीचे कोष्टक में वे शब्द भी लिख दिए हैं जिनका प्रयोग रेखांकित शब्द की जगह करने पर शायरी का रूप व अर्थ बदल जाता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे पहली शायरी है कि मैं अपने गांव के लिए सरफिरा हो जाऊंगा, इंसानियत के नाम पर मकबरा हो जाऊंगा। अरे मेरी सूखी टहनियों पर हंसने वालों, जड़े अगर जिंदा रही तो फिर से हरा हो जाऊंगा, जड़े अगर जिंदा रही तो फिर से हरा हो जाऊंगा। इस शायरी में गांव की जगह पर आप शहर, देश, ईमान, धर्म, संस्था आदि शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से बोलकर महफिल में अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज कर सकते हो। जैसे दूसरी शायरी है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस संस्था से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, इस गांव की अब तकदीर बदलनी चाहिए, इस गांव की अब तकदीर बदलनी चाहिए। इसी शायरी में गांव की जगह पर या जो संस्था है उसकी जगह पर आप गांव, शहर, देश, स्कूल, कॉलेज आदि का प्रयोग करके भी इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तीसरी शायरी है कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसमें रेखांकित शब्द जिंदगी की जगह पर आप विद्यालय, गांव, शहर, देश आदि शब्दों का प्रयोग करके दर्शकों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे शहर की असली उड़ान बाकी है, इस शहर की असली उड़ान बाकी है, इस शहर के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन इस शहर ने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो चौथी शायरी है कि बस हवाओं को ये बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। अरे लहू देकर हिफाजत की जिसकी पुरखों ने, उस देश की मिट्टी को दिल में बसाए रखना, उस देश की मिट्टी को दिल में बसाए रखना। इस शायरी में मात्र देश शब्द को आप बदल करके गांव या राज्य का नाम, शहर का नाम बोलकर दर्शकों को रोमांचित करने में कामयाब हो सकते हैं। पांचवी शायरी है, जैसे हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में है तो उसकी शुरुआत में हम बोल सकते हैं कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, फिर भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत है, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत है। अभी शायरी में परमात्मा की जगह अगर कोई लोक देवता के स्थान पर कार्यक्रम है या गणेश जी के स्थान पर है, माँ सरस्वती के स्थान पर है, तो हम उन शब्दों का प्रयोग करके इस शायरी को नया रूप दे सकते हैं। छठी शायरी है कि रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया। अरे दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने आकर इस संस्था को मालामाल कर दिया, आपने आकर इस संस्था को मालामाल कर दिया। अब इसमें संस्था की जगह पर आप विद्यालय बोल सकते हो, कॉलेज बोल सकते हो, मंच या शहर का नाम बोल करके भी शायरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगली शायरी है कि गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगियां खिलती रहे, आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा कि शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। अब प्रसंग के अनुसार शिक्षा की जगह पर हम प्यार की ज्योति भी कर सकते हैं, ईमान की ज्योति भी कर सकते हैं, सेवा की ज्योति, भक्ति, सत्संग आदि शब्दों का प्रयोग करके विभिन्न रूपों में शायरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगली शायरी है कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान तो ऐसा लगा जैसे इस संस्था की तकलीफ को दवा मिल गई, जैसे इस संस्था की तकलीफ को दवा मिल गई। इसमें भी संस्था की जगह पर हम गांव की तकलीफ, शहर की तकलीफ, विद्यालय की तकलीफ, कॉलेज की तकलीफ आदि बोल करके
और विभिन्न प्रकार से शायरी का प्रयोग कर सकते हैं और मंच की वाही वाही लूट सकते हैं। अंतिम शायरी है कि सुबह लिखता हूँ मैं, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मैं, मुकाम लिखता हूँ, अरे हो जाती है कलम दीवानी मेरी साहब, जब कागज पर माँ का नाम लिखता हूँ, जब कागज पर माँ का नाम लिखता हूँ। इसमें भी हम माँ की जगह पर पिता, गुरु, बाहमासा या देशभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग करके और इस शायरी का विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं मन संचालन की खूबसूरत शेर शायरियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।